बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता, मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी राशि थवाइत भी मौजूद हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 में आज बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल की चौथी टीम कौन सी होगी, ये स्थिति करीब करीब आज साफ हो सकती है। अगर न्यूजीलैंड आज का मुकाबला बड़े अंतर से जीत जाती है तो उसका सेमीफाइनल खेलना लगभग तय हो जाएगा। वहीं अगर कम अंतर से जीत या हार न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस से बाहर भी कर सकती है। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। उधर श्रीलंका के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। श्रीलंका की टीम यूं तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है, लेकिन अगर उसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्वालिफाई करना है तो पॉइंट टेबल में टॉप 8 पर रहना बेहद जरूरी होगा। तो बेहद दिलचस्प आज का मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमों के लिए हार जीत बहुत मैटर करने वाली है, कुछ ज्यादा ही मायने आज की हार जीत को लेकर। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं। संभावित प्लेइंग 11 कौन कौन सी रहने वाली है, राष्ट्रीय स्क्रीन पर एक बार प्लेइंग 11 यहां पर आए तो। लेकिन देखिए बहुत अहम राष्ट्रीय, हम इस बीच कल के मैच की भी चर्चा करेंगे क्योंकि कल का मैच भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उससे पहले आप एक बार यहाँ पर टॉस कर दीजिए न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 राष्ट्रीय। बिल्कुल, केन विलियमसन जो कि कप्तानी कर रहे हैं, डेवन कॉनवे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, राचिन रविंद्र काफी चर्चा में है इस बार के मैच में। सिस्टी अगर देखा जाए तो विश्व कप में राचिन रविंद्र का जो नाम है वो एक बहुत यंगेस्ट प्लेयर है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कंपैरिजन भी है। टॉप 3 तक ये पहुंच गए हैं, सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। डेरिल मिचेल हैं, टॉप लेथम है, ग्लेन फिलिप्स है, मार्क चैपमैन है, मिचेल सेंटनर है, ईश सोढ़ी और काइल जेमिसन में से आज थोड़ा बदलाव हो सकता है। जैसे कि पिछले मैच में लॉकी फर्ग्यूसन को मौका मिला था, पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड की टीम भिड़ती हुई नजर आई थी। ट्रेंट बोल्ट है, अच्छे बॉलर है इनके पास, तो ये न्यूजीलैंड की पूरी टीम है। तो मुझे लगता है कि शायद आज टीम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन और काइल जेमिसन और ईश सोढ़ी में, इन चारों में शायद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि शायद बैटिंग लाइन में कोई बदलाव करने की आवश्यकता होगी। और टीम श्रीलंका की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसके भी पॉसिबल प्लेइंग 11 सामने आ गए हैं राष्ट्रीय। बिल्कुल, और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ इनका पिछला मुकाबला था, 55 रन में ही पूरी टीम सिमट गई थी, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता आज के मैच के लिए। अब कुशल परेरा जो है, कुशल मेंडिस है कप्तान है, पशुम निसांका है, सदिरा समर विक्रमा है, चरित असलंका है। इससे पहले वाले मैच में असलंका ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। आपको भी याद होगा कि ये टीम जो है बांग्लादेश के साथ भी भिड़ी है इंडिया के साथ मैच होने के बाद। तो मैथ्यूज जो पहले प्लेयर बने जो टाइम आउट की वजह से आउट हो गए थे, यानी कि 3 मिनट के अंदर वो क्रिस पर नहीं पहुंचे थे तो वो आउट हो गए थे। असलंका ने 100 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी तो वो फॉर्म में नजर आए थे। धनंजय डिसिल्वा है, महेश तीक्षणा है, दिलशान मधुशंका है, दुश्मंथा चमीरा है, कसुन रजीथा है। तो ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 हो सकती है। भारत ने भले ही 55 रन में इस टीम को समेटा था, लेकिन बांग्लादेश के साथ जब खेलने के लिए टीम उतरी थी तो एक फॉर्म जो श्रीलंका टीम की होती है वो देखने को मिली थी कहीं ना कहीं। और राष्ट्रीय अगर आज के मुकाबले की बात की जाए तो एक टीम के लिए जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेमीफाइनल में जगह बनानी है टीम न्यूजीलैंड की अगर बात करें, लेकिन श्रीलंका के लिए भी ये मैच जीतना उतना ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ब्रेकिंग सामने आ गई है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर। टॉस से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग, न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता है और फैसला यहाँ पर लिया गया है न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पहले गेंदबाजी करने का। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं आज के मैच से जुड़ी, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका ये मैच है जहां पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना है। राष्ट्रीय पहले गेंदबाजी करने का फैसला, पिच की अगर बात करें उसको देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है सृष्टि, और गेंदबाजी का ये फैसला लिया गया है। बैंगलोर में ये मैच हो रहा है, तो बैंगलोर में अगर हम इस पिच की बात करें तो आज कुछ कह पाना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि वहां पर रह रहकर बारिश हो सकती है, तो बारिश जो है एक दो बार इस मैच में खलल डाल सकती है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी होगी कि इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के साथ भिड़ी थी, तो पाकिस्तान के साथ बारिश हो गया था, उस मैच में भी बारिश जो है न्यूजीलैंड ने देखा और
और 21 रनों से वहां पर पाकिस्तान को जीत मिली थी। हाँ। तो ये डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से उन्हें ये जीत दी गई थी क्योंकि बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा था। तो आप इसे न्यूजीलैंड का बैड लक कहिए या फिर कुछ भी, अगर आज भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो नियम है वो यहाँ पर आ जाएंगे और मैच में अगर बारिश हो जाए तो खलल पड़ सकती है। लेकिन शुरुआत में तो ये कहा जा रहा है कि अभी बारिश जो है वो सुबह से नहीं हुई है, तो उम्मीद यही करेंगे कि जो फैंस हैं वो निराश ना हो जो मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। तो क्योंकि पिछला मैच जो था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान का जो रन रेट था, जैसे फकर जमा ने उस दिन बहुत अच्छा खेला था, तो फकर जमा की बैटिंग के बदौलत जो पाकिस्तान है वो 21 रन से लीड ले रही थी। तो ऐसे में पाकिस्तान को वहां पर जीत दी गई थी और न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था डकवर्थ के हिसाब से। तो आज के मैच में भी ऐसा ना हो, हम भी यही चाहेंगे कि फैंस निराश ना हो। तो अगर इस पिच की हम बात करें तो अगर बारिश होती है, अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए मैच रोकना पड़ा, तो पिच जो है और बेहतर हो जाता है, तो वो बैटिंग लाइन को फायदा पहुंचा सकता है। तो शाम तक स्थिति होगी, अगर न्यूजीलैंड बाद में वहां पर बैटिंग करने आएगी तो शायद उसका फायदा न्यूजीलैंड को मिलेगा। राष्ट्रीय, इस बीच कल के मैच का भी जिक्र करना होगा, इंग्लैंड वर्सेज नीदरलैंड, ये मुकाबला था। इंग्लैंड पर कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई थी और एक शानदार जीत, 160 रन से इंग्लैंड का जीतना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंग्लैंड के प्लेयरों पर कल प्रेशर शुरू से ही था, क्योंकि नीदरलैंड की टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है इस बार, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी, वाकई वो काबिले तारीफ रही है। और कल उनके अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो इंग्लैंड के कंपेयर नीदरलैंड ने इस टूर्नामेंट में ज्यादा मैच जीते थे, और नीदरलैंड ऐसी टीम रही जिसने साउथ अफ्रीका को भी हराया, तो ऐसे में वो मैजिकल टीम बनकर उभरी। तो कल का मैच काफी ये था कि शुरुआत में तो काफी एक्साइटमेंट रही उस मैच के, लेकिन फिर इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो ये बताते हुए नजर आए कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। बेन स्टोक्स ने कल अच्छी पारी खेली है, उन्होंने शतक मारा है। अक्सर बेन स्टोक के प्लेइंग का वेट करते हैं फैंस कि आज बेन स्टोक्स खेलेंगे, जैसे कि मैक्सवेल का उस दिन जो परफॉर्मेंस रहा, वैसे वार्नर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी प्लेइंग का वेट किया जाता है, तो बेन स्टोक्स भी ऐसे प्लेयर हैं जिनके खेलने का इंतजार किया जाता है कि वो खेलेंगे, उनके बल्ले से रन बरसेंगे, उन्हें खेलता हुआ देखना लोगों को पसंद है। तो कल वो चीज देखने को मिली, लेकिन बाकी प्लेयरों की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के बाकी प्लेयर अपने उसी ढर्रे में नजर आए, बेन स्टोक्स कल चले हैं ये आप कह सकते हैं। तो कल ओवरऑल नीदरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा, इंग्लैंड की टीम जीती है, तो एक तरह से इंग्लैंड ने अपनी ताक बचाई है। हालांकि राष्ट्रीय दोनों ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है कल के मुकाबले की बात करें, लेकिन 25 के हिसाब से भी, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था, चर्चा की थी कि 25 के हिसाब से बहुत अहम था। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से देखा जाए तो मैच तो काफी अहम था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड अब जगह बना पाएगी, क्योंकि टॉप 7 जो टीमें हैं वो इसमें जगह बना पाएगी। जैसे श्रीलंका आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि श्रीलंका चाहेगी कि वो टॉप 7 में अपनी जगह बनाए, पॉइंट टेबल में अभी वो 8वें नंबर पर है। हाँ। तो उसकी ये कोशिश होगी कि वो 7वें नंबर पर जाए ये मैच जीतकर। लेकिन उसके अलग अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के लिए मैच सेमीफाइनल में बने रहने के लिए जीतना बहुत जरूरी है। तो न्यूजीलैंड अगर आज का मैच जीतती है तो वो सेमीफाइनल में शामिल हो जाएगी, लेकिन श्रीलंका अगर आज का मैच जीतती है तो वो टॉप 7 यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और इस बीच क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक कंबोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे दीपक कंबोज का रुख करते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, वेलकम दीपक आपका एक बार फिर से हरियाणा न्यूज पर। और आज के मैच की बात करी, लेकिन उससे पहले मैं कल के मैच पर आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड। किस तरह से आप कल के मैच को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए भी ये बहुत जरूरी था, नीदरलैंड के लिए भी माना जा रहा था, लेकिन फाइनली इंग्लैंड ने कुछ अच्छा कर दिखाया कल के मैच में। दीपक, बिल्कुल, काफी देर कर दिया इंग्लैंड की बात करें तो, इंग्लैंड अगर स्टार्टिंग के मैच में परफॉर्मेंस अच्छा करती तो आज उसके रिजल्ट कुछ अलग दिखाई देते, बट जैसे कल उन्होंने गेम खेला है तो काफी पॉजिटिव लग रहे थे सभी प्लेयर्स। जैसे बेन स्टोक की बात करें, उन्होंने 100 किया है, तो कहीं ना कहीं कल सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने जैसे करके दिखाया है कल। तो इंग्लैंड टीम को हम देखना चाहते थे इस विश्व कप में कि अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि पिछले विश्व कप की वो चैंपियन थी, बट इस बार वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आज के मैच पर भी सभी की निगाहें जरूर रहेंगी, चाहे वो भारतीय जो खेल प्रेमी है उनकी, क्योंकि आज का जो मैच है वो काफी रोमांचक और बड़ा मैच होने जा रहा है, जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में है। तो सभी खेल प्रेमियों की आज की निगाहें जरूर इन दोनों टीमों पर रहेंगी, और श्रीलंका के खिलाड़ी भी चाहेंगे कि 7वें नंबर पर अपनी जगह बनाए, तो वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी प्रयास करेंगे, क्योंकि विश्व कप से तो श्रीलंका बाहर हो चुकी है। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हालांकि
जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने मैच खेला था तो उसमें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। और आज न्यूजीलैंड अच्छा करना चाहेगी और चाहेगी कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो उम्मीदें टूट चुकी थी, जो लग रहा था कि पाकिस्तान विश्व कप से बाहर हो गया, वो उम्मीदें पाकिस्तान के खिलाड़ियों के फिर से जाग उठी है। और अभी खेल प्रेमियों के भी माइंड में बार बार ये बात आई है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है अगर आज न्यूजीलैंड श्रीलंका से मैच हार जाती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो प्रयास रहेगा कि आज न्यूजीलैंड मैच जीते। और बिल्कुल दीपक, ऐसा असिस्टी होता ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बार जो छोटी टीमें हैं या जो नीचे की टीमें हैं, पांच के बाद वाली जो टीमें होती हैं, वो हमेशा इस तरह का खेल बिगाड़ती हैं सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं जाकर। दीपक, बिल्कुल, जैसे कई बार मैंने देखा है विश्व कप में भी भारतीय टीम भी एक बार ऐसे ही बाहर हुई थी। तो आज श्रीलंका के साथ जो मैच है न्यूजीलैंड का, तो कहीं ना कहीं वो देखने को ना मिल जाए कि न्यूजीलैंड आज का मैच थ्रो कर जाए। और वेदर की भी बात आ रही है कि वेदर अच्छा नहीं है, और अगर बाय द वे मैच कैंसिल हो जाता है और कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट मिलता है दोनों टीमों को, तो फिर भी पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाड़ी फिर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ है और सेमीफाइनल मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों में उम्मीदें जाग जाएंगी और पाकिस्तान के खिलाड़ी कैप्टन बाबर आजम, इन सभी की आज निगाहें आज के मैच पर जरूर रहेंगी कि न्यूजीलैंड आज का मैच थ्रो करे जिससे कि पाकिस्तान बिल्कुल के बिल्कुल चांसेस बढ़े। बिल्कुल तो बिल्कुल पाकिस्तान का भी जो मैच है वो भी इंग्लैंड के साथ, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी अच्छी लय में दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के भी चांसेस बन सकते हैं। तो अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान ने हार लग की उन्होंने मैच थ्रो किया है, मैक्सवेल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मैच को जिताया है। तो कहीं ना कहीं तब अफगानिस्तान के ज्यादा चांसेस लग रहे थे और ऐसा भी लग रहा था कि एक तरफा मैच जीतेगी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, बट बिल्कुल वो जो मैच था वो पलटा और फिर मैक्सवेल ने उस मैच को निकाला। बिल्कुल राष्ट्रीय, हालांकि श्रीलंका की भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका आपने भी जिक्र किया, दीपक ने भी जिक्र किया कि उसके लिए कहीं ना कहीं उसको कड़ी टक्कर देनी होगी, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता क्या इस मैच पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है टीम न्यूजीलैंड के लिए। और न्यूजीलैंड की अगर प्लेयर्स की बात करें तो क्या वो इसी सोच बिल्कुल के साथ मैदान में आज उतरेंगे, क्या उम्मीद की जाए अगर प्लेयर्स की भी बात की जाए तो? देखिए सिस्टी, कई बार ऐसा होता है कि जो कैप्टन्स होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही कई बार उनका एक रिएक्शन समझ में आ जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है जो बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, कि उनके आगे की रणनीति वो क्या बनाएंगे आप उसे नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। मतलब वो बहुत काम रहने वाले पर्सन है, तो उनको जज कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड सेम वैसा ही अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जो वाकई शुरुआत से इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की है, कड़ी टक्कर वो देते हुए नजर आए। जैसे कि दीपक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका टीम है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अभी न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, ये तीन टीमें ऐसी हैं जो नंबर चार की लड़ाई लड़ रही हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो चल चल जाए तो शायद न्यूजीलैंड के पक्ष में ये मैच रह सकता है। और जिस पिच पर ये मैच खेला जा रहा है वहां पे 300 के पार का आंकड़ा रहा ही है हमेशा। अगर मान के चलिए श्रीलंका यहां पर पहले बैटिंग कर रही है, अगर वो 300 प्लस स्कोर खड़ा कर देती है तो शायद न्यूजीलैंड को परेशानी होगी। लेकिन अगर पिच बेहतर हो जाता है, बारिश बेहतर हो जाती है, तो यहाँ पे बॉलिंग लाइन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यहां पर चौके छक्के देखने को मिलते ही हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति रही तो न्यूजीलैंड बिल्कुल चेस कर सकता है उसे, लेकिन यहां पर जो चेसर टीम रही है वो जीती बहुत कम है। लेकिन हो सकता है कि न्यूजीलैंड ने अपने बॉलर्स पर ज्यादा भरोसा जताया है तो वो चाह रहे हैं कि श्रीलंका की टीम जो है वो कम रन में यहां पर सिमट जाए। हो सकता है पिछला मैच देखकर इन्होंने ये फैसला ले लिया हो, क्योंकि एशिया कप में भी श्रीलंका की टीम 50 रन में ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद इस विश्व कप में हमने देखा कि 55 रन में ही श्रीलंका की टीम जो है ऑल आउट हो गई। हालांकि सामने भारत था तो भारत ने तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका को भी ऐसे ही पटखनी दी है, तो हम उसके हिसाब से इसे काउंट नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड की ये रणनीति होगी कि कम स्कोर में उन्हें चलता करे और उसके बाद वो बैटिंग करने आए। दीपक से भी जान लेते हैं, दीपक पिच की भी हम बात कर रहे थे कि पिच रिपोर्ट क्या है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से राष्ट्रीय ने कहा गेंदबाजों पर शायद ज्यादा भरोसा टीम न्यूजीलैंड को, आपको क्या लग रहा है?
बिल्कुल जैसे राशि जी ने कहा कि आज न्यूजीलैंड अगर टॉस जीती है तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर अच्छा स्कोर दे देती है श्रीलंका को तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को चेज करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जितने भी मैचेस विश्व कप की बात करें देखे हमने तो श्रीलंका को कोई ना बिल्कुल, दिक्कत आई और है दिक्कत चेज रिजल्ट करने आ में, भी तो गए हैं आज टॉस के। अगर इस पर न्यूजीलैंड ध्यान जरूर दें चाहे हम कि तो हाँ न्यूजीलैंड ने बड़ा फील्डिंग स्कोर चूज दे दे। किया है। हाँ, न्यूजीलैंड ने फील्डिंग चूज किया है दीपक, तो न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी कर रही है, अब श्रीलंका जो है वो बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। जी अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तो न्यूजीलैंड जरूर चाहेगी कि आज के मैच में कम से कम स्कोर पर श्रीलंका को डिफेंड किया जाए, क्योंकि जो प्रेशर है वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पर आज ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि बिल्कुल न्यूजीलैंड का जो मैच है वो सेमीफाइनल की दौड़ में दिखाई देगा। और अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के पास वो चांसेस नहीं है, श्रीलंका सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है और सेमीफाइनल में कोई भी चांसेस नहीं है श्रीलंका के, तो वो फ्री माइंडेड आज अपना गेम खेलना चाहेंगे। बस उनके पास यही है कि उनको अपना 7वें नंबर पर जो स्थान है वो वहां पे रखना है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका चाहेगी कि आज न्यूजीलैंड से फ्री माइंडेड जी मैच खेला जाए और जीता जाए। बट न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पर आज बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल इस मैच पे टिका हुआ है कि आज अगर न्यूजीलैंड मैच थ्रो कर देती है, आज अच्छे प्लेयर्स उनके नहीं खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है और न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो सकती है। तो आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो आज न्यूजीलैंड जरूर चाहेगी कि उनकी जो गेंदबाजी है, अगर उन्होंने फैसला लिया है गेंदबाजी का, तो आज कम से कम स्कोर पर डिफेंड किया जाए और जो उनके श्रीलंका के स्टार्टिंग के प्लेयर्स है उनको जल्द से जल्द, उनका टॉप ऑर्डर है जो, उनको जल्द से जल्द स्टार्टिंग में आउट किया जाए और प्रेशर डाला जाए। तो ये प्लानिंग जरूर न्यूजीलैंड ने आज की होगी, जैसे कि आज जैसे कुशल मेंडिस की बात करें, पिन शंकर है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सीएस लंका है उन्होंने पिछले मैचेस में 100 किया है, तो आज इन प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा वो प्लान रहेगा कि इन प्लेयर्स के जल्दी से जल्दी विकेट निकाले जाए। एक बिल्कुल, और अच्छा और स्कोर खड़ा करना राष्ट्रीय, ये भी एक हाँ बहुत बड़ी क्या चुनौती मानी जा सकती है टीम श्रीलंका के बिल्कुल, लिए। और श्रीलंका को बड़ा स्कोर बनाना ही होगा सृष्टि, मुझे ऐसा लगता है। जहां तक कुछ बदलाव भी जैसे कि श्रीलंका ने किए हैं, वो चमिका को जगह दे रहे हैं अपनी जगह, चमिका करुणा रत्ने आज खेल रहे हैं कसुन रंजीता की जगह पर। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले मैंने आपसे भी कहा था कि लॉकी फर्ग्यूसन में कुछ बदलाव हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उनकी जगह पर जैसे कि इश सोढ़ी जो है वो खेल रहे थे, इश सोढ़ी की जगह पे आज लॉकी फर्ग्यूसन को मौका दिया गया है। तो मुझे लगता है ये बदलाव शायद बॉलिंग लाइन में इन्होंने की है। तो पहले तो ये देखना होगा कि अब ये टीम जब मैदान में उतरेगी तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। जैसे कि अभी दीपक भी कह रहे हैं कि समर विक्रमा का उन्होंने जिक्र किया, श्रीलंका का उन्होंने जिक्र किया, तो श्रीलंका के पूरे प्लेयर फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, कि फ्लो में नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ कुछ खिलाड़ी जो है किसी मैच में चल जा रहे हैं, कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी मैच में चल जा रहे हैं, बट न्यूजीलैंड के पास एक फ्लो है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास एक फ्लो है, अगर वो फ्लो बना रहा तो शायद श्रीलंका को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। चीज और है कि ये दोनों टीमें जो हैं वो 11 बार आमने सामने हुई हैं, तो जिसमें से 6 बार जो है श्रीलंका ने मैच जीता है, न्यूजीलैंड केवल 5 बार ये मैच जीत सकी है। तो हो सकता है ये आंकड़ा भी फिर बराबर हो जाएगा अगर आज न्यूजीलैंड मैच जीत जाती है तो। लेकिन टेबल पॉइंट की अगर इधर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो श्रीलंका से काफी बेहतर परफॉर्म यहाँ पर न्यूजीलैंड कर रही है राष्ट्रीय, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड का जो टीम का जो हिस्ट्री रहा है, तो वो बीच में जो टीम थी 2015 2011 के वक्त की जो टीम थी न्यूजीलैंड की टीम, एक टाइम में बड़ी कमजोर टीम मानी जाती थी। हालांकि प्लेयर्स इनके पास रहे हैं, बेहतरीन प्लेयर्स रहे हैं, कुछ कुछ एक प्लेयर्स ऐसे हैं जो आज भी मतलब याद किए जाते हैं, उन्हें विश्व कप में मिस किया जाता है। लेकिन अब जो टीम ने लय पकड़ी है पिछले विश्व कप में या इस बार के विश्व कप में आप ले लो, तो एक टीम का जो परफॉर्मेंस है वो नजर आ रहा है। ये टीम एक बड़ी टीम बनकर उभरी है। जैसे एक टाइम पे वेस्ट इंडीज का दौर चला था, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का दौर चला था, एक टाइम पे इंग्लैंड का दौर चला, खैर वो बहुत शुरुआती दौर था। उसके बाद इंग्लैंड किसी भी विश्व कप में उस फॉर्म में नजर नहीं आई जैसा वो हुआ करती थी। तो साउथ अफ्रीका का एक दौर आया, इंडिया का दौर जो अभी है मुझे लगता है इसे तोड़ पाना मुश्किल होगा सालों साल। तो ये तमाम चीजें रही, तो एक वक्त ऐसा भी रहा है जब न्यूजीलैंड की टीम एक फॉर्म में रही है और एक जबरदस्त फॉर्म में रही है। तो अगर आज गेंदबाजी में कमाल हो गया, ट्रेंट बोल्ट अपना कमाल देते हैं क्योंकि वो पावर प्ले में चल रहे हैं, अच्छे बॉलर हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं और आईपीएल में भी वो खेलते हैं,
तो मुझे लगता है श्रीलंका को परेशानी होगी वहां पर। परेशानी होगी। हाँ वहीं दीपक से जाने थे दीपक, क्योंकि आपने देखिए श्रीलंका का भी बताया कि आगे किस पे नजर रहने वाली है, लेकिन न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो क्या आगे की राहें होंगी अगर न्यूजीलैंड एक अच्छे रन रेट से यहां पर जीत हासिल कर लेता है तो? बिल्कुल, अगर आज का मैच न्यूजीलैंड अच्छी रन रेट से जीत लेता है तो फिर तो क्लियर है कि आगे जो मैच मिलेगा भारत के साथ सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है न्यूजीलैंड का मैच, और पाकिस्तान का जो वो है बाहर हो जाएगी पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं आज न्यूजीलैंड अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी और अच्छे रन रेट से मैच जीतना चाहेगी, और न्यूजीलैंड जरूर चाहेगी कि आज कम स्कोर पर श्रीलंका को डिफेंड किया जाए, क्योंकि अगर श्रीलंका 300 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर जाकर न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि श्रीलंका के पास अच्छे गेंदबाज हैं। मधुशंका की बात करें अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और तीक्ष्णा की बात करें अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे न्यूजीलैंड को दिक्कत आ सकती है अगर 300 से ज्यादा श्रीलंका की टीम आज रन बना देती है, तो जो न्यूजीलैंड चाहेगी कि आज कम से कम स्कोर पर डिफेंड किया जाए श्रीलंका की टीम को। बिल्कुल। लेकिन दीपक मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि इससे पहले जो पाकिस्तान के साथ मैच था वहां पर 401 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, तो फकर जमा उस दिन चल गए, उस दिन जम गए फकर जमा, उन्हें 4 मैचों में पाकिस्तान ने बिठा कर रखा था, उस दिन उनकी वापसी हुई थी और उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था, तो क्या आज वैसा लग रहा है बैट्समैन जो न्यूजीलैंड के हैं वो खेल पाएंगे? खैर ये तो गेंदबाजी के बाद ही होगा, लेकिन बैटिंग लाइन के लिए क्या कहेंगे न्यूजीलैंड की? कॉनवे मेरे हिसाब से अच्छे फॉर्म में है। बिल्कुल, डी कॉनवे की बात करें अच्छी लय में जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट 2-3 मैचेस की बात करें तो उनके बैट से अच्छे रन देखने को नहीं मिले हैं, तो आज डी कॉनवे जरूर चाहेंगे कि आज अच्छा परफॉर्मेंस करें अपनी टीम के लिए, अच्छा स्कोर दें, जैसे रची रविंद्रा है, तो आज बिल्कुल दोनों बैट्समैनों की पार्टनरशिप जरूर देखना चाहूंगा मैं भी, अगर वो अच्छी दोनों पार्टनरशिप कर देते हैं तो फिर तो क्लियर हो जाएगा कि न्यूजीलैंड मैच जीतेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास केन विलियम्स की बात करें तो केन विलियम्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मैच में की है, और गेन फिलिप्स है, तो कहीं ना कहीं डी मिचल है, तो उनके बल्लों से रन जरूर देखने को मिल सकते हैं अगर आज न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर अच्छी पार्टनरशिप कर देता है, तो डी कॉनवे पे सभी की आज नजरें जरूर रहेंगी कि डी कॉनवे आज अच्छा स्कोर बिल्कुल जरूर करें अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। तो प्रेशर दोनों टीम पर रहने वाला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म यहाँ पर कर पाती है। फिलहाल के लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगी दीपक आपका भी जुड़ने के लिए, और राष्ट्रीय आपका भी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए क्रिकेट के महाकुंभ में आज दो ऐसी टीमें भिड़ रही हैं जिनके दोनों के लिए जीतना आज बहुत जरूरी है और दोनों की आगे की राह भी उससे तय हो जाएंगी। फिलहाल नजर आपकी भी बनी है, हमारी भी बनी है इस क्रिकेट पर, देखने वाली बात हो कि आज का मैच क्या रंग लाता है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।